नमस्कार, आपका स्वागत है संगीता किचन ब्लॉग में। आज बनाने वाले हैं आंवले का बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और अमृत के समान होता है। बहुत ही ज़्यादा सुपर पावर वाला रेसिपी है आंवला। सर्दी सर्दी ही मिलता है, तो जल्दी से फटाफट बना लीजिए और स्टोर करके रख लीजिए। तो हमारी वीडियो जरा सा भी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फिर चलिए चलते हैं बनाने। आज की रेसिपी बनाने के लिए लिया है 500 ग्राम आंवला। ये सुपर फूड माना जाता है, बहुत सारी बीमारियों का काल माना जाता है ये, और विटामिन सी से भरपूर होता है और भी कई सारी चीज़ें इसमें मौजूद होता है। ये सर्दी सर्दी ही मिलता है, तो इसे बना करके स्टोर कर लीजिए वरना सीजन चला जाएगा और ये रेसिपी इतनी टेस्टी बनेगी कि बचेगा ही नहीं। और ज़्यादा मात्रा में बनाकर आप स्टोर कर सकते हैं। तो इस आंवले को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और इसे सुखा लिया। आप चाहें तो इसे नमक के पानी में भी धो सकते हैं और अच्छी तरह से पोंछ लीजिए। पोंछने के बाद इसे ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए, मोटे वाले जो ग्रेटर है ना, इसी से ग्रेट करेंगे तो हमें मोटे मोटे से थोड़े लच्छे मिल जाएंगे। आप इसे काट करके या चॉप करके भी बना सकते हैं, पर एक समान लच्छे होते हैं तो देखने में अच्छे लगते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं। देखिए, इस तरह से ग्रेट हो जाते हैं, तो ऐसे ही ग्रेट कर लेंगे। तो देखिए, सारे आंवले को मैंने मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है और 30 ग्राम के आसपास, 30-35 ग्राम के आसपास मैंने अदरक को, जिंजर जिसे बोलते हैं, उसे ग्रेट किया है ये इस पतले वाले से। और जब अदरक को ग्रेट करें ना, तो इसमें जो रेसे वगैरह होते हैं उन्हें हटा दीजिएगा, क्योंकि इन रेसों से, रेसे जब मुँह में जाते हैं ना तो अच्छे नहीं लगते हैं खाने में, और वो कितना भी कुक कर लेना वो डिजॉल्व नहीं होते हैं। और ले रहे हैं कुछ हल्दी। तो देखिए, इस तरह से हल्दी को छील लिया है। ये कच्ची वाली हल्दी है, तो जैसे जिंजर के ऊपर छिलके होते हैं वैसे इसके ऊपर भी होते हैं, तो ये भी करीब उतने ही है, 35 ग्राम के आसपास है ये हल्दी, वो कच्ची वाली हल्दी। तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, इसका तासीर गर्म होता है, तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। जिनके जोड़ों को दर्द या बहुत सारी बीमारियाँ जो है ना, इस तरह के जो रेसिपी आप इस्तेमाल करेंगे सर्दियों में, तो बहुत ही फायदेमंद होंगे। बहुत सारी बीमारियां आपकी ठीक होने वाली है। लगातार 15 दिन में ही आपको फायदा महसूस होने लग जाएगा इसका। तो आप पूरी सर्दी इस तरह से बना करके स्टोर भी कर सकते हैं। आप 6 महीने तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। अभी 2-3 महीने आंवले चलते हैं, ये फरवरी तक तो आराम से मिल जाते हैं, तो लेकिन कम हो जाते हैं। अभी बहुत अच्छा सीजन है, तो एक बार जरूर से बनाइएगा इसे। तो देखिए, इस तरह से पतले वाले ग्रेटर से हम ग्रेट कर लेंगे। तो अब आ गए हैं गैस की तरफ और ले लिया है एक स्टील का कढ़ाही, भारी तले का कढ़ाही लीजिएगा, ताकि जो रेसिपी बना रहे हैं वो जले नहीं। और दूसरी कढ़ाही जैसे आप पीतल की या लोहे की नहीं लीजिएगा, क्योंकि लोहे की या पीतल की लेते हैं तो आपका रेसिपी खराब हो जाएगा। तो मैंने ले लिया है 1 चम्मच घी। घी लीजिएगा, घी में बनाने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। या तो घी नहीं खाना चाहते या अच्छा नहीं लगता है, पसंद नहीं है, तो आप बिना घी के भी बना सकते हैं, पर तेल का इस्तेमाल नहीं करिएगा। जब घी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए, थोड़ा गर्म हो जाए, तभी इसमें डालिएगा खड़े मसाले। ये दो हरी इलायची डाला है और 4 लौंग डाल रहे हैं, और डाल देंगे कलौंजी 1/2 छोटी चम्मच। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। और 1 तेज पत्ता डाल देंगे, 1 चम्मच सौंफ डाल देंगे। इस रेसिपी में सौंफ का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी फायदेमंद भी होते हैं। फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है ताकि मसाले जले नहीं, और अच्छी तरह से जब मसाले भून जाए उसके बाद हमने जो रखा है ग्रेट करके आंवला वगैरह वो सब डाल देंगे। तो देखिए, हमारे मसाले भून गए हैं अच्छी तरह से और खुशबू भी इनसे आने लग गई है। तो इसी टाइम डाल देंगे जो मैंने ग्रेट करके रखा हुआ है, और फ्लेम को लो ही रखेंगे। तो इनको अच्छी तरह से चलाते हुए भून लेंगे लो फ्लेम पे ही। जितना धीमे धीमे आंच पे भूनेगा ना, उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो देखिए, हम तुरंत ही डाल देंगे गुड़। ये 250 से 300 ग्राम तक का गुड़ आप ले लीजिए, और देसी वाली गुड़ ले लीजिएगा। केमिकल से जो साफ किया जाता है, एकदम लाइट कलर का होता है,
वो वाला मत लीजिएगा, ये थोड़ा सा लाल सा दिखता है पर कोई बात नहीं, ये ज्यादा टेस्टी होता है और शुद्ध होता है। तो इसे इस तरह से चलाते रहेंगे ना, तो पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना, चलाते रहेंगे तो अपने आप ये गुड़ हमारे जो है मेल्ट हो जाएंगे। आप चाहें तो इसे और छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं, या ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं, चाकू से भी काटेंगे पतले पतले तो कट जाते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे कर लीजिएगा। और थोड़ी देर में ही देखिएगा कि घुलने लग गया है। फ्लेम लो ही रखिएगा, फ्लेम तेज रखेंगे तो क्या होगा कि जो मॉइस्चर होता है आंवले का या हल्दी का वो सूख जाएंगे, तो ये सूखा सूखा सा हो जाएगा और अच्छी तरह से गुड़ घुल नहीं पाएंगे। तो देखिए गुड़ पिघलना शुरू हो गया है, अब जल्दी से पिघल जाए इसके लिए हम ढक देंगे, ढक ढक करके पकाएंगे तो बहुत ही जल्दी ये पिघल जाएंगे। तो देखिए हमारा थोड़ा गल गया है गुड़, छोटे छोटे से चंक्स और है वो भी थोड़ी देर में गल जाएंगे। तो मैंने लिया है यहाँ पर 1/4 कप किशमिश, इससे टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। 1/2 टीस्पून डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर, हल्का सा तीखा करने के लिए लाल मिर्च का पाउडर डाल रहे हैं। आप चाहें तो जिसमें मैंने तड़का लगाया था उसमें लाल मिर्च साबुत भी डाल सकते हैं, यदि पाउडर पसंद नहीं है लाल मिर्च का। तो इन सबको कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स। आप चाहें तो इसमें और कोई ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। तो अब हम इसे ढक कर 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए इसे पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं और देखिए कितना अच्छा सा ये तैयार हो गया, लटपटा सा। ये जरूरी नहीं है कि सभी का लटपटा सा हो, तो हल्का सा सूखा उखा भी लग सकता है हलवे की तरह। तो यदि बिल्कुल सीम पे पकाएंगे ना तो इस तरह तो कम से कम रहेगा ही, क्योंकि गुड़ घुलता है तो वो भी पानी छोड़ता है। तो मैंने गुड़ से बनाया है, आप चाहें तो उसमें चीनी डाल सकते हैं, पर गुड़ हेल्दी होता है, हेल्दी के लिए बना रहे हैं तो गुड़ हेल्दी होता है, इसलिए मैंने गुड़ ही इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो खांड भी यूज़ कर सकते हैं, खांड भी हेल्दी होता है। तो देखिए अच्छी तरह से ये पक गए हैं। जब आंवला खींचा खींचा सा होता है ना तो उसमें जूस ज़्यादा निकलते हैं, और जो बिल्कुल जुआया हुआ सा होता है उसमें जूस कम होते हैं। तो देखिए इस तरह से लटपटा सा हलवे की तरह हमारा बन करके तैयार हो गया है। अब इसमें डाल देंगे कुछ, देखिए खरबूजे की सीड्स है और पम्पकिन सीड्स है हरे वाले, तो इनको भी डाल देंगे इसी में, पर इतना सूखा सूखा भी नहीं बना है। देखिए इस तरह से यदि हम पानी इसमें डाल देते हैं ना तो इसे स्टोर ज़्यादा दिन नहीं कर पाएंगे, ये खराब हो जाएगा। तो इस तरह से यदि बनाते हैं तो काफ़ी समय तक आप स्टोर करके रखेंगे भी ना तो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, बिना फ्रिज का भी रखेंगे तो खराब नहीं होगा। पानी डाल देंगे तो आप स्टोर करके फ्रिज में ही रख सकते हैं और ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रख पाएंगे। देखिए बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है, अब गैस बंद करके इसे उतार लेंगे। तो देखिए गैस बंद करके मैंने नीचे उतार लिया है इसे, और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ठंडा होने के लिए रखेंगे तो इसे जाली से ढके या खुला रखें, क्योंकि इसे प्लेट से ढक देंगे तो इसका जो भाप से पानी जो इसमें गिरेगा तो उसे आप ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर पाएंगे, आपका ये जो है खराब हो जाएगा। तो ये देखिए इम्यूनिटी से भरपूर हो गया है तैयार, इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो देखिए थोड़े ठंडे हो गए हैं पर पूरी तरह से ठंडे नहीं हुए हैं, जब तक पूरी ठंडा नहीं होता है तब तक कोई जार में नहीं रखेंगे, यदि बगैर ठंडा हुए रख देंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे, वो पूरी तरह से ठंडा हो जाए तभी रखेंगे। तो मैं अभी एक बाउल में रख देती हूँ इसे, जब पूरी तरह ठंडी हो जाए तभी जार में रख देंगे। और जार लीजिएगा तो कांच का ही लीजिएगा, प्लास्टिक के जार में आंवला जो खट्टा होता है तो उससे रिएक्शन होता है, तो हमेशा ही खट्टी चीज़ों का कोई भी चीज़ रखते हैं तो कांच के जार में ही रखा करें। आपकी फैमिली बड़ी है तो आप ज़्यादा बना करके रख सकते हैं, 1 चम्मच रोज सवेरे खाएं, 15 दिनों में आपको फर्क महसूस होने लग जाएगा, इम्यूनिटी पावर आपका बढ़ जाएगा। और इसे आप पूरी पराठे के साथ खाना चाहें तो उसके साथ भी खा सकते हैं। तो यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।